सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। जी हाँ, कोरोना संक्रमण वायरस को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की महामारी घोषित करने के बाद में केंद्र और राज्य सरकारों ने इस जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो लॉकडाउन है उसकी अवधि में जो परिवर्तन किए हैं, जो प्रतिबंध रखे हैं और जिनमें छूट दी है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी आदेश के मद्देनज़र जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं उनके तहत धारा 144 के जारी रहेगी, जिसमें 5 और 5 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं होंगे। संपूर्ण जिले में जो निषिद्ध गतिविधियां हैं, जी हाँ, जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने हमें बताया, तो उसके मद्देनज़र समस्त सुरक्षा उद्देश्य एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बिल्कुल ये निषिद्ध रहेगी। सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ट्रेनों के द्वारा सभी यात्रा का आवागमन बंद रहेगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें बंद रहेगी, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी। चिकित्सीय कारणों को छोड़कर या दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्ति का अंतर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन बाधित रहेगा। सभी शैक्षणिक प्रशासनिक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं का प्रोत्साहन हेतु सुविधाएं दी जाएगी, ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। इस दिशा निर्देशों के तहत अनुमत सेवाओं के लिए जो सेवाएं हैं, होटलें हैं, वो भी बंद रहेंगी। टैक्सी का संचालन और कैब समूहों का संचालन बंद रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, असेंबली हॉल, समान प्रकृति के स्थान सभी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, राष्ट्र, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं समारोह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20 से अधिक लोगों का समूह एक साथ अंतिम संस्कार में नहीं जा दिया जाएगा। जी हाँ, 20 लोगों की ही अनुमति जारी की जाएगी और अनुमत के लिए सम्मिलित प्रतिबंधित रहेगा। जी हाँ, किसी भी कार्यों में अनुमति ले। और लॉकडाउन में किन किन सेवाओं को छूट दी गई है वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ई मित्र की जो सेवाएँ हैं वो सभी प्रारंभ कर दी गई हैं। केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा, जो दवाइयाँ हैं, ये सभी दवाइयाँ जो है दुकानें, ये सभी खुल जाएंगी, इनको छूट दी गई है। किराना एवं जनरल प्रोविजन स्टोर, खाद्य पदार्थ, दैनिक आवश्यक जो दुकानें हैं वो खोली जा सकेगी। प्रसाधन सामग्री, फैंसी स्टोर इत्यादि की दुकानें अभी खोलने का नहीं किया गया है जारी आदेश। फल सब्जियां समस्त दुकानें व ठेले संचालन किए जा रह सकते हैं। दूध डेयरी से उत्पाद की दुकानें सभी खुली रहेगी। केवल नगर परिषद द्वारा प्राप्त ठेला और पंजीकृत विक्रेता ही विक्रय कर पाएंगे। पशु एवं पशु आहार से संबंधित सभी विक्रय केंद्र खोल दिए गए हैं। कृषि उद्यानिकी व सामाजिक बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण व आपूर्ति के उपकरण सभी खुल गए हैं। बिल्कुल, कृषि यंत्रों उपकरणों में विक्रय, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें खुल गई हैं। रेस्टोरेंट एवं भोजनालय भी खुल गए हैं, लेकिन इससे केवल भोजन की होम डिलीवरी होगी। इसमें मिठाई, नमकीन, फास्ट फूड और आइसक्रीम इत्यादि की होम डिलीवरी नहीं की जा पाएगी। होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय का मेडिकल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। टायर पंचर एवं टायर रिपेयर्स की दुकानें खुल गई हैं। सभी वाहनों के जो अधिकृत सेवा कंपनियां हैं, मरम्मत केंद्र हैं, वो सभी खुल जाएंगे। अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल जाएगी। अब जो जो सेवाएं आपके लिए खुलेंगी वो है होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, कुरियर सेवा, पूर्व में संचालित ई कॉमर्स कुरियर सेवा अति आवश्यक सामग्री की डिलीवरी ही कर पाएगा। होम डिलीवरी का समय सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक रहेगा। उपयोगिता में जो है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी, मरम्मत, मोटर मैकेनिक, कॉरपोरेट, मोची, लॉन्ड्री, धोबी, इलेक्ट्रॉनिक सामान मरम्मत करने वाला, केबल ऑपरेटर, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मरम्मत मैकेनिक, लोगों को कार्य डोर टू डोर कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी सुबह 9 बजे से 7 बजे तक। उद्योग कार्यशाला में रिको उद्योग चल सकेंगे। और खनन विभाग द्वारा जो जारी है उसमें खनन के प्रावधान भी जारी कर दिए गए हैं। नगर परिषद की सीमा में जो निर्माण के लिए जो निर्माण कार्य निरंतर जारी हैं, जो केवल नगर परिषद और नगर विकास के अनुमोदन प्लान के आधार पर ही श्रमिक उपलब्ध होने के कार्य किया जा पाएगा। कृषि उपनिषद में कीटनाशक, खाद, बीज, कृषि उपकरण, आपूर्ति श्रृंखला के सामान के, औद्योगिक वस्तुओं का विक्रय दुकानें सभी खुली कर दी गई हैं।
होटल और आतिथ्य में होटल लॉज मॉल्स जिनमें लॉकडाउन में फंसे पर्यटक अगर वहाँ पर हैं, मेडिकल स्टाफ है, आपातकालीन स्टाफ है, वायु समुद्री चालक दल ठहरे हुए हैं, तो उनका संचालन किया जाएगा, नहीं तो उनको बंद किया जाएगा। बिल्कुल क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए जो जो प्रयोग में आ रहे हैं प्रतिष्ठान, उन सबको खुला रखा जाएगा। आवश्यक सेवाओं में बैंकिंग, LPG, गैस, NBF, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का न्यूनतम स्टाफ के साथ में संचालित की जाएगी। जी हाँ, दुकानदारों के लिए विशेष तौर से जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्योंकि सुमेरपुर मुख्य बाजार है, उसके मद्देनजर सुमेरपुर दुकानदारों के लिए जो जिला कलेक्टर ने सभी दुकानदारों के लिए आदेश जारी किए, वो इस प्रकार है। दुकानदारों को बिना मास्क किए हुए उपभोक्ताओं को सामान नहीं देना है। साथ ही अगर नियमित रूप से दुकानदार जब दुकान में आता है तो उसको सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हाथ धुलवाने हैं। दुकानदार स्वयं भी मास्क पहने हुए रखेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहां पर मास्क पहनकर घूमना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं होने की स्थिति में आप गमछे का भी उपयोग कर सकते हैं। छोटी दुकान के लिए 2 जनों के लिए परमिशन दी गई और बड़ी दुकान के लिए 5 जनों से अधिक उपभोक्ता होने पर उनकी दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। गुटखा तंबाकू सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा। कारखाना उद्योग में प्रवेश करने वाले वाहनों मशीनरी को स्प्रे माध्यम से सामूहिक कीटाणु रूप से किया जाना अति आवश्यक होगा। वर्तमान में दुकानों का खुलने का समय जो पूर्ववत है वही रखा जाएगा। ये सभी आज आदेश जारी किए गए हैं। एक एक जानकारी देना चाहूँगा, सार्वजनिक स्थानों का सभी बंद हैं और सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का अनुमत रखा गया है। जी हाँ, ये जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने बकायदा जारी आदेश किया आज रात्रि को और आप तक पहुँचाने का प्रयास किया सुमेरपुर न्यूज़ पर।